नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और एनालिसिस वीडियो में। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC के ऊपर। IRCTC का रिजल्ट आ चुका है, बहुत से आपको डिक्लेरेशन हुए हैं, यहाँ पे अनाउंसमेंट हुए हैं, तो हम लोग सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और लास्ट में फिर हम लोग टेक्निकली भी देखेंगे जो स्टॉक में आपको क्या हो सकता है, किस लेवल के ऊपर हम लोगों को फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल ही ध्यान से जो है फ्री टाइम में देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी चीज़ें समझ में आ जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग चलते हैं एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, जो क्या कुछ आपको चेंज हुआ है यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग जो है अभी आपको कांस्टेंट है। यहाँ पे प्रमोटर के होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 67.4% जो है आपको यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट है, एक भी शेयर प्लेज नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। FII की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो FII का स्टेक यहाँ पे रिड्यूस हुआ है ऑलमोस्ट 0.75% से। तो ऊपर के लेवल पे FII ने यहाँ पे आपको पैसा बुक जरूर किया है, प्रॉफिट बुक किया है, इसी वजह से जो है यहाँ पे आपको FII के स्टेक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम लोग DII की बात करते हैं तो DII ने यहाँ पे अपना स्टेक सिग्निफिकेंटली आपको रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट आपको DII का यहाँ पे होल्डिंग हाफ हो चुका है। तो इसका मतलब जो है आपको DII यहाँ से अभी के लिए निकल रहे हैं, मे भी बाद में थोड़ा और नीचे के लेवल पे यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, या फिर कुछ टाइम के बाद वो लोग जो है यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 क्वार्टर से ऑलमोस्ट 8% का रिडक्शन उन्होंने कर लिया है। जून क्वार्टर में आपको 11.3% का होल्डिंग था, जो कि आपको दिसंबर क्वार्टर में 4.7% का रह गया है। तो यहाँ पे DII ने आपको सिग्निफिकेंटली यहाँ पे आपको अपना पैसा विड्रॉ किया है, और जितना भी आपको पैसा विड्रॉ हुआ है वो सारा का सारा पब्लिक ने इधर आपको बाइंग किया है। तो यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है लास्ट 1 क्वार्टर से, और यहाँ पे आपको जो लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका पैसा निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक प्राइस में भी स्लगिसनेस इसलिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेजरली जो आपको मूव होता है वो आपको इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही प्राइस मूव किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इसलिए प्राइस में भी आपको सिग्निफिकेंटली मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात अगर हम लोग रिजल्ट की करें, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। सेल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑलमोस्ट 136 करोड़ का यहाँ पे इंक्रीमेंट दिख रहा है सेल्स में। अदर इनकम आपको कांस्टेंट है, तो सेल्स में आपको काफी अच्छा एक इंक्रीमेंट हुआ है, मोर देन आपको 25% का इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो मोर देन 250% का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेल्स में। अदर इनकम आपको कांस्टेंट है, लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में 16 करोड़ ही है। टोटल इनकम में जो है यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे टोटल आपको एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे इसी वजह से प्रॉफिट जो है आपको उतना बढ़ के यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 50 करोड़ से इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है आपको 33% का जंप है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस कर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको मोर देन 200% से ज्यादा का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ कंपनी ने आपको यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंस किया है। 2 रुपए का डिविडेंड जो है यहाँ पे आपको पर शेयर मिलने वाला है, और 18 फरवरी जो है फ्राइडे वो आपको रिकॉर्ड डेट है, उसके बाद जो है आपको डिविडेंड दिया जाएगा। अब हम लोग अगर बात करें टेक्निकली, तो टेक्निकली जो है स्टॉक आपको बहुत ही नैरो रेंज में आपको ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे आपको देखते हैं तो डेली चार्ट में ऊपर की साइड में आपको 925 का एक क्रूशियल लेवल है, और नीचे की साइड में आपको 785, ये आपको 780 785 ये जो है आपको बहुत ही क्रूशियल लेवल है, क्योंकि इस रेंज में स्टॉक जो है आपको नवंबर मंथ से कंटिन्यू यहीं पे ऑसिलेट कर रहा है, इसी लेवल में आपको कंटिन्यू यहाँ पे जो है प्राइस मूवमेंट हो रहा है, इससे ज़्यादा आपको कहीं पे भी प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा है।
रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी आपको स्टॉक प्राइस में ना तो ज्यादा बड़ा गिरावट देखने को मिला और ना ही ज्यादा बड़ा आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो इसलिए स्टॉक जो है अभी आपको बिल्कुल ही स्लगिश है। जब तक ऊपर की साइड आपको 925 के लेवल के ऊपर एक डेली कैंडल नहीं क्लोज होता है, आपको ऊपर की साइड एक अच्छा मूवमेंट नहीं दिखेगा यहाँ पे जो है, तो अभी आपको फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो भी आपको 925 के लेवल का ही वेट करना चाहिए, क्योंकि उस लेवल के ऊपर आपको एक अच्छा फास्ट मूवमेंट देख सकता है। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे लास्ट 3 मंथ से ज़्यादा का कंसोलिडेशन कंटिन्यू है, तो जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ही ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे मूवमेंट फास्ट होगा जिस टाइम आपको ये ब्रेकआउट होगा नीचे की साइड। जब तक आपको 780 का लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है, इस लेवल के नीचे आपको एक अच्छा क्लोजिंग नहीं देता है डेली चार्ट पे, आपको नीचे साइड का मूवमेंट भी बिल्कुल ही लिमिटेड है। तो यहाँ पे जो है अभी आने वाले दिनों में भी एक स्लगिशनेस ही हम लोगों को देख सकता है, जब तक कि ऊपर की साइड आपको 925 का लेवल नहीं ब्रेक होता है और नीचे की साइड जो है आपको 780 का लेवल नहीं ब्रेक होता है, तब तक हम आपको आइदर साइड में एक अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी यहाँ पे फ्रेश पोजिशन आपको बनाना चाहते हैं तो 925 के ऊपर ही जो है यहाँ पे आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो बेटर है उस स्टॉक प्राइस को वहां तक जाने का वेट कीजिए, उसके बाद जो है आप यहां पे पोजीशन बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।